बिग बॉस सीज़न 13 का पहला एविक्शन हुआ है और आज हमारे साथ हैं दलजीत कौर। दलजीत, निकले हो आप घर के बाहर से, पहली चीज़ आपने क्या करी? मैं घर गई और मैंने अपने बेटे को हक किया और बहुत टाइट हक किया, फिर बहुत टाइट हक किया और वो मुझे सिर्फ देख के, मुझे एक ही चीज़ उसने पूछी, मम्मी कॉम्पिटिशन इज़ ओवर? नो बेबी, आई थिंक आई लॉस्ट। इट्स ओके मम्मी, डिड यू इन्जॉय? तो ये मेरा बहुत ही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे बेटे ने सीख लिया कि एंजॉय करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीत हार तो चलती रहती है। सो आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई मेट हिम। ये 14 दिनों की जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत सारे उधेड़मंद, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारा फेक, वो दुनिया रियल नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी, और बहुत सारी सीख, बहुत सारे लेसन्स। अच्छा, सलमान खान ने क्या कहा जब आप बिग बॉस के घर से बाहर आए तो? उन्होंने मुझे बहुत ही स्वीट सी स्माइल दी और बोले कि दलजीत ने बहुत अच्छा खेला और बहुत ही डिग्निटी के साथ वो आ रही हैं, एंड उनके चेहरे पे एक बहुत ही, मतलब एक बहुत स्वीट सी स्माइल थी, यू नो, विच मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हम कौन हैं वो दिखाने आते हैं, ऐसा मैं सोच के गई थी और ऐसा मैंने किया। तो उनके चेहरे पे ये स्टैम्प तो लग गया कि जैसी भी मैं दिखी उनको अच्छी दिखी, और उन्होंने इतने लोग, इतने सीजन्स देखे हैं कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस उनकी आंखों में वो अप्रूवल देखना कि तुमने अच्छा किया। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एक चीज़ दलजीत, ये आपसे जानना चाहेंगे कि पहला एविक्शन हुआ और आप घर से बेघर हो गई हैं, तो आपको क्या लगा, क्या चीज़ ऐसी थी जो आप नहीं कर पाए जिसकी वजह से आप बेघर हुई? पहली बात तो मैं फ़र्स्ट एविक्ट होंगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अपना शो कभी ना छोड़ती। मैं बहुत ही बड़े शो में नेगेटिव लीड कर रही थी, मैं छोड़कर यहाँ पर आई हूँ, तो मेरी उम्मीद अपने आप से बहुत थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सब लोग यही कह रहे थे बी योर सेल्फ, तो दिस इज़ मी। मैं वहाँ पर जाते ही मैंने देखा कि एक ही हफ्ते में इश्क हो गया था, फिर अगले ही हफ्ते यू नो ब्रेकअप भी हो गया, और वो चीज़ें रियल नहीं हैं। और मुझे इतना पता था, जो कनेक्शन के बारे में बात हो रही थी, मुझे पता था कि कनेक्शन रियल होना चाहिए, और मेरे वाकई में 2 हफ्ते में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनने शुरू हो चुके थे, जो शायद इस हफ्ते से बहुत ज़्यादा दिखते, जो दिख नहीं पाए। तो आई थिंक आई प्लेड माई सेल्फ, आई वॉज माई सेल्फ, और रियल लोगों को समय थोड़ा लगता है। मैं नहीं कहती कि 3 महीने लगते, लेकिन मैंने अपना, चाहे वो जेरिन के बारे में हो कि मुझे सिंपथी कार्ड नहीं प्ले करना है, मुझे सिंगल मदर, या जेरिन का नाम लेकर आप मुझे वीक मत दिखाइए, चाहे वो टास्क में अच्छे से खेलना हो, 3-3 थैलियों में वॉमिट करना हो, चाहे वो यू नो सना को डंके की चोट पर बोलना हो दैट आई डोंट थिंक कि मेरा आपके साथ कनेक्शन बनाए। मैंने अपने कम्फर्ट जोन से एक्स्ट्रा किया और बहुत स्ट्रांगली किया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी, बट आई डेफिनेटली थिंक आई डिडंट डिजर्व टू कम आउट फर्स्ट। अच्छा, किसको चाहती हैं कि वो बिग बॉस विनर बने? विनर बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, मुझे लगता है सिद्धार्थ शुक्ला डेफिनेटली टॉप में आते हैं, नॉट बिकॉज वो फिजिकली स्ट्रांग है, बिकॉज वो रियल लगते हैं मुझे। वो जब कुछ गलत लगता है तो मुँहफट हैं, बोल देते हैं, और किसी की चापलूसी नहीं करते, फेक कनेक्शंस नहीं बना रहे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रश्मि, देबो, आरती, मायरा, बहुत अच्छे रियल लोग हैं जिनके बीच में मैं चाहूँगी कि इन लोगों के बीच में कोई बने। किससे आप टच में नहीं रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करूँगी, सिद्धार्थ डे फॉर श्योर। मैं जानती हूँ कि वो हमारे इंडस्ट्री में एक नामचीन राइटर हैं, मेरे लिए अच्छा आंसर ये होता कि मैं रहना चाहूँ, क्योंकि मैं इस करियर में रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ज़ुबान पे उनका कंट्रोल नहीं है। गुस्सा सबको आता है, मेरे भी मुँह से शटअप निकला था एक बार आरती को, जबकि मैं उसको पहले से जानती हूँ, लेकिन मेरे में उतना गट्स था कि मैं सॉरी बोलूँ और उस चीज़ को सुधारूँ। लेकिन सिद्धार्थ डे ने, चाहे वो अमीषा पटेल को कुछ अजीब सी बात बोलनी हो, चाहे वो कोयना को हो, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला को उसके करियर और उसके फुटेज के बारे में कुछ बोलना हो, चाहे मुझे मेरे बेटे को लेकर बोलना हो कि आप जो भी कर रहे हैं आपको पता है ना कि आपके बेटे पे आएगा, आपको अच्छा लगता है अगर आपके 5 साल के बेटे को 4 लोग अटैक करते, मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं था, और उनका उनके उनके ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को वापस उस सिचुएशन में बाय चॉइस डालना चाहूँगी। अच्छा, 14 दिनों की जर्नी कैसी रही आपकी? जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास दुनिया को परखने का मंत्र आ चुका है, मैं सबको समझ चुकी हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग लर्निंग लेसन फॉर मी, कि मुझे ये तो ज़रूर है कि पहले हफ्ते से दिख रहा था कि क्या सच है क्या नहीं है, ये फेक झगड़ा कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था यार फेक झगड़ा मुझे ही बोल के जाते थे कि यार मैं ना वहाँ क्लेश करके आता हूँ, तो वहाँ जाके वो झगड़ा करते थे, मुझे लगता था मुझे ही तो बोल के गया है कि झूठे झूठे झगड़ा करने वाला, अब मैं उसमें भी पार्ट लूँ। फिर क्योंकि लोगों ने कई उन्हें बोला कि आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो झूठ कर रहे हैं, मुझे बोल के जा रहे हैं कि वो झूठ कर रहे हैं, तो बहुत कन्फ्यूजिंग था वो पूरा। तो इट्स अ फेक
मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा रियलिटी शोज देखने का ये आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग. अच्छा अभी निकले हो आप, अब पहली चीज आप क्या करने वाले हो अब ये इंटरव्यू के बाद, जाने के बाद आप क्या करने वाले? मैं अपने बेटे को कहीं लेके जाऊंगी और शायद एक डेढ़ दिन तक मैं और किसी को नहीं देखूंगी, सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी क्योंकि मैंने उसको बहुत मिस किया. थैंक यू सो मच दलजीत हमारे साथ बने रहने के लिए एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू, आई नीड इट. थैंक यू. कैमरा पर्सन भुवन के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.